हेलो हेलो पब्लिक, कैसे हो सभी लोग। वीडियो को सबसे पहले लाइक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, सीयूईटी की खबरें पेश करते हैं। पेश कर रहे हैं आज सीयूईटी के ताज़ा खबरें रिगार्डिंग द करेक्शन विंडो। काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान है कि भैया ये सीयूईटी क्या हो गया, मजाक हो रहा है क्या, हैं मजाक चल रहा है यार। जो है सीयूईटी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे जो है करेक्शन विंडो, अगर अपन बात करें जब से वीडियो डाल रहे हैं हम, 6 to 8 जुलाई को ओपन होने वाले थे। 6 to 8 जुलाई को बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे मोबाइल लेके, सुबह 5 बजे से रात को देख रहे थे। एक्सटेंड हो गया एप्लीकेशन फॉर्म 12 से लेके 14 जुलाई को करेक्शन फिर से हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट फिर से मोबाइल लेके सुबह 5 बजे बैठ के रात को पूरे दिन कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। रात को हमको कॉल करते हैं भैया करेक्शन विंडो ओपन हुआ ही नहीं, हम सुबह से ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो एप्लीकेशन आईडी क्या पासवर्ड तक भेज दिया कि आप हमारा कर दीजिए, हो सकता है ना इंटरनेट इश्यू है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी गलत कर रहे हो, ठीक है। जैसा कि कुछ स्टूडेंट ने जो है मेरे को अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड भेज दिया, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग वीडियो लास्ट 3 ईयर्स, आई एम वर्किंग दिस फील्ड लास्ट 3 ईयर्स, इट्स ओके कि उनको ट्रस्ट था और उन्होंने मुझे सेंड कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने ये बहुत गलत किया, आपको ये सेंड नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्केट में बेची जा रही है, राइट। मैं नहीं बेचता, ठीक है, मेरे ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट रखिए, ठीक है, तुम्हारा भाई दिल से बहुत सच्चा है वैसे। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो अगर आप किसी को अपना एडमिट कार्ड, वैसे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, अपना एडमिट कार्ड एप्लीकेशन नंबर वगैरह किसी को देते हैं, तो यार अपना आपका जो कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट आपके आसपास के स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स के साथ ही है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपकी जो प्रेफरेंस है वो चेंज कर देते हैं रिगार्डिंग द स्पेशल इन करेक्शन विंडो। जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट किया हो और बहुत सारे स्टूडेंट ने किसी कंपनी को इन्फॉर्मेशन दे दी हो रिगार्डिंग द दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वो क्या करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चॉइस है उसको उठा देती है और आपका जो पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। आप वो टारगेट ही नहीं कर पाते, उसमें काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप किसी के साथ भी अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर ना करें, यानी कि मैं तो ये भी बोलता हूँ मेरे साथ भी बिल्कुल ना शेयर करें, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। अब अपन आगे बढ़ते हैं करेक्शन विंडो की, कुछ स्टूडेंट के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आए हैं रिगार्डिंग द करेक्शन, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अमृता राव से, इनका ये पूछना है कि करेक्शन विंडो में जो हम कैसे करेक्शन करेंगे, क्या हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे आप करेंगे तो अभी आपको ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको जो है वहाँ पे साइड में ऑप्शन दिखेगा एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें जैसे ही आप जाएंगे आपके पास सेम टू सेम वही एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जो कि आपने भरा था। वहाँ पे जो है जैसे ही आप DOB या फिर ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक नहीं होगा, और आप सब कुछ उसमें चेंज कर सकते हैं, चाहे आपका यूनिवर्सिटी ऐड करना हो, घटाना हो, आपका जो है पेपर कोड चेंज करना हो, पेपर कोड हटाना हो, नई यूनिवर्सिटी ऐड करना हो, नए सब्जेक्ट ऐड करने हो, आपके सब्जेक्ट चेंज करने हो, चाहे आपका एग्जाम सिटी चेंज करना हो, चाहे आपकी मम्मी का डैडी का नाम चेंज करना हो, चाहे आपका एड्रेस चेंज करना हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर चेंज करना हो, सब कुछ आप चेंज कर पाएंगे। आप फोटो भी चेंज कर पाएंगे, आप सिग्नेचर भी चेंज कर पाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना है नहीं, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है अभिषेक राव से, अभिषेक राव जी का ये पूछना है कि जो हम एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें करेक्शन का कितना चार्जेज लगेगा। श्योर स्पेशली जो पहले नोटिस आया NTA की तरफ से रिगार्डिंग द करेक्शन, उसमें मेंशन किया गया है कि स्पेसिफिक चार्जेज आर अप्लीकेबल, लेकिन यार कोई भी चार्जेज के लिए NTA ने कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि किस करेक्शन का क्या चार्जेज लगेगा, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बाद में भी ऐड हुई है, ठीक है। आपको भी पता होगा 25 तारीख तक यूनिवर्सिटियों को ऐड किया गया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में नए नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, तो जो आपको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो भी यूनिवर्सिटी ऐड ही नहीं हुआ उसे एक महीने पहले अप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखा है, तो आपको जो उस कॉलेज को, उस कॉलेज के कोर्सेज को ऐड करने का मौका मिलना चाहिए, तो उसके लिए जो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। जैसे ही यूनिवर्सिटी को चार्जेस NTA डिक्लेयर करता है वो उसके लिए कोई नोटिस जारी करेगा। अभी तक जो है चार्जेस के रिगार्डिंग कोई भी NTA ने नोटिस जारी नहीं किया है। थर्ड क्वेश्चन आता है अस्मिता शर्मा से, अस्मिता शर्मा जी का कहना है कि हम अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं क्या। बिल्कुल आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये अशोक सैनी से, अशोक सैनी जी का कहना है कि जो है हमें मैंने अपना पेपर कोड गलत डाल दिया तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल आप अपना पेपर कोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि हमने जो है कोर्स ही जो चेंज अलग चूज कर लिया। जैसे एक तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग, आपको मैं क्या ही बताऊँ, एक बच्चे का कल हमारे ग्रुप पे एक ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बच्चा इंफॉर्मेशन डालता है कि भैया मैंने जो है पीजी की जगह यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। सारे ग्रुप वाले हैरान है, भैया ये कैसे हो सकता है, मतलब तुमने भाई ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, किसी कॉलेज से कोई डिग्री की है, कहाँ से क्या पढ़ा है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने पेमेंट भी किया है, कितनी बार फॉर्म को पढ़ा होगा, और CUET का इतना बड़ा फॉर्म होता है, इसे ऐसे फिल करना होता है, वहाँ पे तुमसे कितने मार्क्स मांगे होगे, तो तुमने जो है यूजी की जगह पीजी की जगह यूजी का फॉर्म फिल कर दिया, मतलब हद होती है यार ये, राइट। सो अभी उसके पास मौका था फिल करने का, पीजी का फिल कर दो, सब शर्माने की बिल्कुल बात नहीं है। जिन लोगों ने पीजी की जगह यूजी का भर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप पीजी का फिल कर दो, ठीक है, चलेगा, समझ गए ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न है कि हमको जो है MSc बायोलॉजी लेनी थी, हमने माइक्रो बायोलॉजी सेलेक्ट कर दिया, हमने हिंदी साहित्य सेलेक्ट कर दिया, हमने पेपर कोड सेलेक्ट कर दिया गलत, हमने कोर्सेस गलत सेलेक्ट कर दिया, तो आप बिल्कुल चेंज कर पाएंगे, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप ईमेल आईडी को छोड़ के आप पूरा जितना फॉर्म था सारा का सारा चेंज कर लेना। अब भैया मेरे को तो ईमेल आईडी चेंज करना था, अब मैं क्या करूँ, अब मेरा क्या एडमिशन में इश्यू आएगा। सर जैसे NTA का क्या काम है, NTA का सिर्फ ये काम है कि जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आपको हर यूनिवर्सिटी के पास जाके वहाँ पे चॉइसेस फिलिंग करनी है, तो वहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे तो वहाँ पे ईमेल आईडी चेंज कर देंगे, ठीक है। और ईमेल आईडी का कोई महत्व नहीं है, देखो बिल्कुल घबराना नहीं है जिन लोगों का ईमेल आईडी गलत है, ठीक है। और भी आपका कोई कंसर्न है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, थैंक यू।